दोस्तों चाहे फ्लिपकार्ट हो या फिर आपका और कंपनी जैसे मीशो हो गया, ये जो कंपनीज हैं ई कॉमर्स कंपनीज, इनके लिए जो हायरिंग है वो टेक महिंद्रा करता है। और हाल ही में टेक महिंद्रा ने आप फ्रेशर्स के लिए जॉब निकाली हुई है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को आगे तक देख सकते हो, इसका अप्लाई लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरे पीछे आप देख सकते हो Naukri.com पे ऑफिशियल टेक महिंद्रा का ये जॉब डली हुई है, जो कल ही रात डली थी और आज मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर दो तरह की जॉब्स हैं, वैसे काफ़ी सारी है, मैं आपको लिंक दे दूंगा। सबसे पहली जॉब की बात कर लेते हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये अंडर ग्रेजुएट के लिए है, मतलब 12 पास आउट के लिए, कोई भी 12 पास आउट उसमें अप्लाई कर सकता है। ऑफिस इनका मुंबई में है, 30 यहाँ पर वैकेंसीज निकली हुई हैं। वॉइस नॉन वॉइस कॉलिंग का वर्क यहाँ पर रहने वाला है, जैसे आपके पास भी कस्टमर कॉल से कंपनी से कॉल आती होगी किसी प्रोडक्ट को लेकर, सर्विसेज को लेकर, कोई आपका इशू है, कहीं पे आपने साइन अप किया है किसी साइट पे उसके कंफर्मेशन को लेकर, तो वो आपको काम यहाँ पर करना है। ठीक है, बाकी प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका एक नेगोशिएशन स्किल हो, कोई भी अंडर ग्रेजुएशन अप्लाई कर सकता है। वीकेंड ऑफ रहेगा, 6 डे की वर्किंग रहेगी। गर्ल्स के लिए ये वाली वैकेंसी है जिसमें सुबह 8 से रात के 8 का टाइम रहेगा। बाकी जो मेंस है, मेल है, वो कैंडिडेट जो है 24/7 शिफ्ट के लिए तैयार रहें। बाकी सैलरी की बात करें तो यहाँ पर 28,000 इन हैंड आपको मिलेंगे। ठीक है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 1 साल से 2 साल का, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको 23,000 रुपये मिलने वाले हैं। वो ये नॉन वॉइस के लिए बता रहा हूँ, चैट वर्क जो है, चूँकि वो इंग्लिश में होता है प्रैक्टिकल। बाकी कॉलिंग का जो वर्क है उसके लिए आप नॉन एक्सपीरियंस है तो 21,700 और एक्सपीरियंस है 1 और 2 ईयर सो आपको मिलेंगे 26,000। कोई भी इशू होने पर मैं तो कहूँगा फॉर्म मत भरो, अप्लाई मत करो, पहले ये नंबर पर कॉल कर लो। जी हाँ, भाग्यश्री हैं जो आपकी HR टीम में है, उनका ईमेल ID और उनका क्या कहते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। आप इस जॉब से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं कॉन्टैक्ट करके हासिल कर सकते हैं और उन्हें ही अपना रिज्यूम भी भेज सकते हैं। बाकी Naukri.com पर साइन अप करके अप्लाई आप कर लीजिएगा, आपका काम इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो काम मैंने समझा दिया, कॉलिंग कवर करने वाला है, कस्टमर्स की कॉल आएंगी उनको सेटिस्फाई करना है, जो कि हर कंपनी में जिसे आप कॉल सेंटर कहते हो या BPO कहते हो वो वर्क प्रैक्टिकली होता है। ठीक है, पहले ये वर्क कंपनीज ऑफिस से हैंडल कराती थी, अब वो वर्क फ्रॉम होम हो गया है। ये वाले को डिस्क्लोजर नहीं है, मे बी वर्क फ्रॉम होम हो या वर्क फ्रॉम ऑफिस हो, तो वो आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट जॉब की बात करें, इसी के नीचे आप टेक महिंद्रा की एक और हायरिंग निकली है जो CSA की पोस्ट है, उस पर मैं टैप करूंगा तो वॉक इन इंटरव्यू है। कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे दे रखी है, प्रिंस धीर करके नाम है, 15 अप्रैल तक का टाइम है, तो फटाफट आप जाके अप्लाई कर लो। ठीक है, एड्रेस दे रखा है नोएडा का, जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो जा सकते हैं। सैलरी वर्क फ्रॉम ऑफिस है, पहले ही बता दूँ सैलरी यहाँ पर 2.10 लाख पर एनम है LPA, और कोई भी अंडर ग्रेजुएट ग्रेजुएट इसमें अप्लाई कर सकता है। ऐसी तीसरी वैकेंसी भी है, उसके बारे में बात करेंगे, जो सर्विस डेस्क के लिए है यहाँ पर, तो या वर्क फ्रॉम होम भी है, उसके लिए बात कर लेते हैं। तो काफ़ी सारी वैकेंसी टेक महिंद्रा की हैं जी। एक वैकेंसी का लिंक तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर आप जब क्लिक करोगे तो आपको ऑफिशियल लिंक मिल जाएगा Naukri.com का, तो आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। 100 वैकेंसी निकली हुई हैं कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट्स की, वही कॉलिंग का काम रहेगा, BPO का काम हिंदी इंग्लिश लोकल लैंग्वेज के साथ, सैलरी वही 2.10 लाख पर एनम। रिज्यूम आपको गीतिका गुप्ता है, इनके कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सअप नंबर पे सेंड करना है, कोई भी जानकारी के लिए आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों क्या होता है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजन, मीशो, इनके क्लाइंट्स भी लाखों करोड़ों में है, तो इसलिए इनके पास टीम इन्हें बढ़ानी पड़ती है, और ये कॉन्टैक्ट देते हैं टेक महिंद्रा को, जो कि इनके टेक्निकल हैंडल करती है या इनकी हायरिंग कराती है। तो आप जाके ज्वाइन करना चाहते हो, काम करना चाहते हो बड़ी कंपनी के साथ, वर्क फ्रॉम होम भी है, वर्क फ्रॉम ऑफिस भी है, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में, ट्राई करो।